वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जी एस विथ आंसू। 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए यूटेरिया से बिहार स्पेशल का सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसमें आज सेट नंबर 16 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 15 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय महिलाओं को स्नातक में एडमिशन के लिए 33% आरक्षण देने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है? तो दोस्तों वह विश्वविद्यालय का नाम है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला शिल्पकला म्यूजियम स्थापित किया गया है पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं, विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला विधान परिषद कौन बना है? विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला विधान परिषद बना है बिहार विधान परिषद। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है? भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है पटना में। अगला प्रश्न है, ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं, गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया है? भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया है कुकड़ी गांव को। अगला प्रश्न है, शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की गई है बोधगया में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य जिसने सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट स्थापित करने का फैसला किया है? तो दोस्तों वह राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया है? भारत का पहला खादी मॉल खोला गया है मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे कम उम्र यानी कि 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर बनने वाली महिला कौन है? भारत में सबसे कम उम्र में स्काई ड्राइवर बनने वाली महिला है अनामिका शर्मा। अगला प्रश्न है, रणजी मैच में 3 शतक लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी सकीबुल गनी का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो दोस्तों सकीबुल गनी का संबंध है बिहार के मोतिहारी से। अगला प्रश्न है, सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला है पूर्णिया जिला। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिहार का दूसरा चिड़ियाघर स्थापित किया जा रहा है अररिया में। अगला प्रश्न देखते हैं, जेल में बंद कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला पहला जिला कौन है? जेल में बंद कैदियों के लिए
डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला पहला जिला है? बांका जिला। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है सुपौल को। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला नगर वन स्थापित किया गया है? बिहार का पहला नगर वन स्थापित किया गया है गया में। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है? बिहार का पहला वानिकी कॉलेज स्थापित किया गया है सुपौल में। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम घोषित किया गया है? बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम घोषित किया गया है केडिया को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पूरी तरह से डिजिटल होने वाला बिहार सरकार का पहला विभाग कौन सा है? पूरी तरह से डिजिटल होने वाला बिहार सरकार का पहला विभाग है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है? बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है औरंगाबाद से जयनगर तक। अगला प्रश्न देखते हैं, 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला है जहानाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी पर बिहार के पहले रबर डैम का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों वह नदी है फल्गु नदी। अगला प्रश्न है, किस तिथि को बिहार सरकार द्वारा शहीद दिवस घोषित किया गया है? बिहार सरकार द्वारा शहीद दिवस घोषित किया गया है 15 फरवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं, शराब सेवन को रोकने हेतु बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंध दिवस किस तिथि को घोषित किया गया है? शराब सेवन को रोकने हेतु बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंध दिवस 26 नवंबर को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है? बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है? बिहार सरकार द्वारा परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है प्रत्येक माह के 21 तारीख को। थैंक यू।